माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन इस तरह का है, 0 to π/2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स होल टू द पावर 4 कॉस एक्स होल टू द पावर 4 डी एक्स, ये है वो क्वेश्चन। लेट अस नेम दिस एज आई और मान लें कि ये है 1। अब जो डेफिनेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको मालूम है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, जिसे यूजुअली हम अप्लाई करते ही करते हैं, उसे यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 to π/2 π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन ऑफ कोर्स डी एक्स इज देयर साइन π/2 माइनस एक्स होल टू द पावर 4 प्लस कॉस 0 प्लस π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स टू द पावर 4। और ये बनेगा इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 to π/2 π/2 माइनस एक्स, यू नो साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, दिस साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड पावर 4 प्लस साइन एक्स पावर 4 डी एक्स और इसे नंबर दें 2। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा लेफ्ट साइड आई प्लस आई 2i, राइट साइड हो जाएगी 0 to π/2। आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के न्यूमरेटर में क्या कॉमन है आप देखें, दोनों के न्यूमरेटर में कॉमन है साइन एक्स कॉस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एक्स उसका प्लस π/2 माइनस एक्स इसका, एक्स एक्स कट डी एक्स इज देयर। और अब π/2 हम अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, तो π/2 बीइंग अ कांस्टेंट कैन कम आउटसाइड, तो देखिए क्या होने वाला है, π/2 अब आपके पास बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल होगा आपका 2i इज इक्वल टू π/2 बाहर लिमिट 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। बड़ी इसकी अब स्पेसिफिक टेक्निक है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस एक्स टू द पावर 4 से डिवाइड करें, कॉस एक्स होल टू द पावर 4 से, तो ये हो जाएगा π/2 0 to π/2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स टू द पावर 4 अपॉन साइन एक्स होल टू द पावर 4 कॉस एक्स होल टू द पावर 4 कॉस एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू π/2 टाइम्स 0 to π/2। देखिए यहाँ पे 4 कॉस हैं, एक कॉस कैंसिल हुआ, एक कॉस साइन के साथ मर्ज हो गया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विल बिकम 10x।
जो दो कॉस बचे वो बच ऊपर आ गए, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। साइन एक्स टू द पावर फोर कॉस एक्स टू द पावर फोर को आप क्या लिख पाएंगे, टेन एक्स टू द पावर फोर प्लस कॉस फोर एक्स कैंसिल वन डी एक्स। तो इस तरह से ये इंटीग्रल रिड्यूस होकर अब इस तरह का बन चुका है। अब हमें इसमें एक सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना होगा, तो आइए दोस्तों वो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। वैसे आपके दिमाग में बड़े आसानी से आ रहा होगा कि वो सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए। एक तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा लगता है कि टेन एक्स को टी रख दें, तो इफ यू पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी। और दूसरा उससे भी आसान तरीका है कि आप इस टेन एक्स टू द पावर फोर को ऐसा लिख दें टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और टी पुट कर दें, टी पुट कर दें आप टेन स्क्वायर एक्स को, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स होगा टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, जिसे लिख पाएंगे आप डी टी अपॉन टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मतलब टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हटा के आप लिख सकेंगे डी टी बाई टू और डिनोमिनेटर विल हैव टी स्क्वायर प्लस वन। पर अब सवाल उठता है लिमिट का, तो लिमिट भी चेंज होगी व्हेन एक्स इज जीरो टी इज टेन स्क्वायर जीरो। यहां पर ये की इक्वेशन है जहां से लिमिट भी चेंज होगी और डी एक्स भी, टेन स्क्वायर जीरो इज जीरो व्हेन एक्स इज पाई बाय टू टी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू इज इन्फिनिटी। देयरफोर आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी द इंटीग्रल 2i विल बिकम 0 टू इन्फिनिटी इंस्टेड ऑफ 0 टू पाई बाय टू। अर्लियर लिमिट वॉज फ्रॉम 0 टू पाई बाय टू, नाउ इट इज 0 टू इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में आप देखो टेन एक्स एक स्क्वायर सॉरी न्यूमरेटर में टेन एक्स एक स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी अपॉन टू होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, वन बाय टू कॉमन। इंटीग्रल ऑफ दिस इज टेन इनवर्स टी, रिमेंबर इट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स टी इज वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर एंड लिमिट इज जीरो टू इन्फिनिटी। ऑफकोर्स पाई बाय टू इज देयर सो पाई बाय टू, पाई बाय टू इज ऑलरेडी देयर एंड वन बींग दिस वन बाय टू कॉमन इट बिकम्स पाई बाय फोर। नाउ टू आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू पाई बाय फोर टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन वेन टेन इज इन्फिनिटी इट इज इन्फिनिटी वेन एंगल इज पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स जीरो इज जीरो इम्प्लाइज टू आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय एट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय सिक्सटीन। देयरफोर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई स्क्वायर बाय 16। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स एंड दिस क्वेश्चन यूजुअली कैरीज 6 मार्क्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।